हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो पे आप लोग सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम व्हाट्सएप के एक न्यू ट्रिक के बारे में जानेंगे। मतलब कि व्हाट्सएप में किसी मैसेज को आप 5 से अधिक लोगों को आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए हम एक न्यू ट्रिक के बारे में आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब किया या नहीं? नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद जब हम यहाँ पर थ्री डॉट में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप का न्यू फीचर देखने को मिलेगा, न्यू ब्रॉडकास्ट का। इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जिन लोगों को पर्सनली मैसेज भेजना है, 5, 10, 50 लोगों को अगर पर्सनली मैसेज भेजना है एक साथ, तो यहाँ पर आप न्यू ब्रॉडकास्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर न्यू ब्रॉडकास्ट में उन लोगों को आप एक ग्रुप बना सकते हैं, और उस ग्रुप में जब भी आपको मैसेज सेंड करोगे तो वहाँ पे उन लोगों को सभी को एक पर्सनली मैसेज जाएगा। उसे किसी ग्रुप के बारे में पता नहीं रहेगा। उसे जिस प्रकार से हम पर्सनली मैसेज करते हैं एक चैट के अंदर जा करके, उस तरह से उसको मैसेज सेंड होगा। और जब वो आपको मैसेज करेंगे तो उसका नंबर से आपको मैसेज आएगा पर्सनली, उस ग्रुप पे मैसेज नहीं आएगा। तो चलिए हम कुछ लोगों का यहाँ पर एक न्यू ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर ओनली 4 लोगों को यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर सही वाले चेक मार्क में, सही वाले निशान में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक 4 रेसिपिएंट का एक ग्रुप बन चुका है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप। और यहाँ पर जब भी हम कोई मैसेज डालेंगे तो उन लोगों को पर्सनली मैसेज जाएगा। वो लोग यहाँ पे मैसेज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ से हम सिर्फ मैसेज भेज सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जब इसमें ग्रुप में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सभी का लिस्ट दिख जाएगा। यहाँ से हम डिलीट ब्रॉडकास्ट लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ से किसी को आपको ऐड करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर पेन वाले आइकन में टच करके आप यहाँ पर इसे नाम दे सकते हैं, इस ब्रॉडकास्ट को। और यहाँ पर आप इसमें टच करके इमोजीज भी लगा सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ओके कर देते हैं और इसका नाम हम दे दिए हैं। और यहाँ पर हम एडिट रेसिपिएंट में क्लिक करके हम किसी को यहाँ पर रिमूव करना है तो यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें टच करके इसे आप हम रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद सही का निशान में क्लिक कर दीजिएगा तो वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर किसी लोगों के ऊपर हम यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए, एडमिन वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ मैसेज दिया जा रहा है, व्यू दिया जा रहा है, यहाँ पर रिमूव, यहाँ पर ब्रॉडकास्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये एडमिन यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, ये सिर्फ एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप है जहाँ पर आप मैसेज सेंड सिर्फ कर सकते हैं। तो जब आप किसी मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं तो सिर्फ 5 लोगों को ही आप उस मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। 5 से अधिक लोगों को आपको फॉरवर्ड करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। लेकिन आप एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना करके आप वहाँ पर कम से कम 250 लोगों को आप वहाँ से ऐड कर सकते हो, और 250 लोगों को आप एक बार में मैसेज सेंड कर सकते हो। अगर आप किसी अननोन लोगों का नंबर आपने मोबाइल पे सेव करके और ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया है और आप ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालते हो, तो अननोन नंबर जो है उनके मोबाइल पे अगर आपका नंबर सेव नहीं है तो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज उन लोगों को मैसेज नहीं भेजता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस ट्रिक के बारे में क्या आपको पहले से पता था या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जब भी हम न्यू पोस्ट डालें तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।